रात का समय है और हम लोग कॉरिडोर देखने आए हैं। कॉरिडोर में किस तरह सजावट की गई है, किस तरह लाइटिंग की गई है, वो हम लोग सभी देखने आए हैं। देखते हैं क्या नज़ारा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाड़ी चलती है कॉरिडोर घूमने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग बंद होने के टाइम में आए हैं तो गाड़ियाँ बंद हो गई हैं शायद। अभी 9:30 बजे लाइटिंग बंद होने का टाइम है। देखिए भारत माता मंदिर महाकालेश्वर के पीछे जस्ट कॉरिडोर के बगल में। कॉरिडोर में घूमने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ की जो प्रतिमाएं बनी हुई है ना, काफी खूबसूरत हैं और हम लोगों का काफी मजा आ रहा है। देखिए चारों तरफ खूबसूरती। अरे वहाँ देखो, वो हाँ दिख रहा है नदी उसका। कॉरिडोर में आके कोई भी चंबा से भर जाएगा। शिव जी का बारात, शिव की बारात चली, वाह। कॉरिडोर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, जबरदस्त कलाकारी। यहाँ भी शिव के अवतारों को दर्शाया गया है कॉरिडोर के दीवारों में, देख सकते हैं आप। कुछ बोलेंगे भाभी यहाँ कॉरिडोर के बारे में? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और क्या है, देख के दिल खुश हो रहा है। जितने भी अवतार हैं सारे अवतार यहाँ पे वर्णन है, स्टेचू बना हुआ है और दीवारों में भी ना जो उसके अवतार हैं, जो जीवन काल में जो है सबको दिखाया गया है, काफ़ी शानदार। और यहाँ से थोड़ा नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, दिखाता हूँ आप लोगों को। गजब गजब प्रतिमाएं बनी हुई, गजब गजब खूबसूरत। भगवान शिव को जो दर्शाया गया है ना यहाँ पर, काफी बेहतरीन है। वाह क्या कॉरिडोर, खूबसूरत कॉरिडोर बनाया है। हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं रात में। हम लोग यहाँ उज्जैन में एक रात गुजारेंगे तो ये देखते हैं कौन सा होटल खाने लायक अच्छा। ये बहुत सारे होटल देखो सामने, अग्रवाल होटल, केसरी लक्ष्मी, केशर लक्ष्मी, स्वागत रेस्टोरेंट, शिवा रेस्टोरेंट, बहुत सारे होटल हैं यहाँ पर। चले खाना खाने के लिए दूसरे होटल में। तो है भाई सब जगह, इंदौर में भी हर जगह मिलता है। पीना है क्या भव्य रबड़ी? छत्तीसगढ़ी आदमी को भात खाए बिना जी नहीं मानता है, इसलिए भात खा रहा है दम से दम। भाभी का भी भात रखा हुआ है ये इतना सारा, खा रही है और अजीबो गरीब तरीके से खा रही है। ये है रबड़ी, रोटी रबड़ी के साथ खा रही है, लेकिन कुछ अलग ही इनका खाने का स्वाद है। और मोहन क्या है, एकदम प्योर छत्तीसगढ़िया है। मित्रों गुड मॉर्निंग, मैं हूं अभी उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी उज्जैन में, और अभी जा रहा हूं। मोहन जो है अभी रुद्राभिषेक करा रहा है, वहीं जा रहा हूं मैं अभी। थोड़ा लेट हो गया सवेरे, तो देखो ये गली देखो किस तरह की भीड़ है यहां पर। ऐसा रूम आपको बड़ा रूम है, डबल बेड का
नहीं नहीं अभी नहीं जा रहा हूँ। माता जी चेंज नहीं है पैसे मेरे पास। क्या है? 200 का नोट है। हो जाएगा? कितने हैं? 100? कितने रुपए देंगे? दस रुपए काटेंगे ना? अरे हाँ ठीक, आप जो तो आपकी इच्छा अनुसार दस देव बिल में आपसे 151 रुपए से नहीं मांग रही, 51 रुपए भी नहीं मांग रही हूँ मैं, आपकी इच्छा से जो इस पर नोट खर्चा करके आते हैं बाबा के यहाँ चंदा, हम तो सेवा के लिए खड़े तुम्हारी महाकाल। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। इस तरह दुकान लगी हुई है। Oh, my God.
का दिन काफ़ी बेहतरीन है। हम लोग आज मंदिर के पीछे ही एक और मंदिर है, वहाँ पर रुद्राभिषेक किए। ये चप्पल रखने का स्थान है, चप्पल जूता। कॉरिडोर की शुरुआत यहीं से होती है, इस तरफ काफ़ी दूर तक है, पूरे 1 किलोमीटर एरिया में कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर बनने से फ़ायदा हुआ है कि यहाँ के जो दर्शनार्थी थे वो सब कॉरिडोर देख के जाते हैं, मतलब काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, जो भी आता है यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है यहाँ पर।